हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर और पांच सीरीज के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा वो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से देखना होगा और अच्छे से नोट्स बनाकर और आप डेली रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने राजन सीरीज के मतलब कंप्यूटर के आई थिंक हमने 17 से 18 पार्ट्स डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। फिलहाल अभी ये शुरू करते हैं पवन सीरीज का। एक ही वीडियो में हम पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न यही है कि कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं चार्ल्स वेवर्स। जो करेक्ट आंसर रहेगा उसी पे हम टिक करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न डिस्कस करेंगे तो बेटर रहेगा। चार्ल्स वेवर्स के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है तो कैलकुलेटर। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था ए बी सी। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, हमने राजन सीरीज में ये प्रश्न डिस्कस किए हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, जो कि बहुत इजी है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं तो सारणियन कहते हैं। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है परम 10,000। ये जितने भी प्रश्न आई थिंक हमने ये सब राजन सीरीज में है, बस क्या है इधर उधर करके दिया है। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होती है तो वो होती है एनालॉग कंप्यूटर। बाइनरी कोड कहलाता है, बाइनरी कोड कहलाता है मशीनी भाषा। कम कीमत के कंप्यूटर है तो कम कीमत के कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों के पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, उपयोग छवि में। ओलेटाइल मेमोरी कहते हैं तो रैम को ओलेटाइल मेमोरी कहते हैं। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है तो आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है अदा या इनपुट कह सकते हैं। कंप्यूटर का दिमाग होता है वो होता है आपका सीपीयू। इनपुट उपकरण है तो स्कैनर आपका इनपुट उपकरण है, ठीक है। आउटपुट का उपकरण है और जितने वो तीन थे सब आउटपुट के थे, इनपुट आपका स्कैनर था। आउटपुट उपकरण है तो आउटपुट आपका प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। ये तीनों आपके इनपुट हैं। कंप्यूटर में से एक इकाई से दूसरे इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है वो करता है डाटा बेस। कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। रोम का पूरा नाम क्या है, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों की विधि कहलाती है आउटपुट। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है केंद्रीय संसाधन इकाई में, मतलब सीपीयू में। इसका सीपीयू का हिंदी होता है केंद्रीय संसाधन इकाई और इंग्लिश में होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक बाइट में होते हैं तो एक बाइट में 4 बिट होते हैं और 4 बिट के सम्मेलन से एक निबल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। BIOS, BIOS का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ ये क्या लिखा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बट यहाँ जो बेसिक लिखना चाहिए बट गलती से प्रिंट हो गया है बेसिक, ठीक है। तो इतना तो आपको पता होगा बेसिक होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसलिए आपका करेक्ट आंसर बो हो जाएगा। हार्ड डिस्क कहलाती है तो हार्ड डिस्क भंडारण युक्ति कहलाती है स्टोरेज। ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं तो ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर एक्यूमिलेटर। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से निर्गत युक्ति आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। कंप्यूटर में कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है 12। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर आप देखते होंगे 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, वैसे 2 प्रकार के कहते हैं लेकिन आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और
प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप गूगल में भी सर्च करके देखना, वो तीन ही बताएगा, बट नॉर्मली आप जब पढ़ते हो तो आपको दो ही सॉफ्टवेयर बताया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट आपके जब एग्जाम में पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर आपके तीन प्रकार के होते हैं। कुंजी पटल का कार्य है, तो कुंजी पटल का कार्य होता है टाइप करना, ठीक है। कुंजी पटल का कार्य होता है टाइप करना। आप देख सकते हो यहाँ थोड़ा अच्छे से ना दिखे इसके लिए थोड़ा सॉरी, ठीक है। फ्लॉपी का आकार होता है, तो फ्लॉपी का आकार होता है आपका जो होता है 3.5, 5.25, 8 उपयुक्त सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है तो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाना। कंट्रोल यूनिट होता है, तो कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू में। रीसेट बटन का प्रयोग होता है, तो रीसेट बटन का प्रयोग होता है वो होता है आपके कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। न्यूमेरिक की होती है, तो कीबोर्ड में न्यूमेरिक की होती है, ना कि सीपीयू में, मॉनिटर में, हार्ड डिस्क में नहीं होती है। निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए, एक मिनट, ये रहा आपका क्वेश्चन कि निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए एंटर बटन दबाते हैं। कैप्स लॉक बटन में अक्षर छोटे बड़े किए जाते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट्स पर्सनल फोल्डर को माई डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। परिचालन प्रणाली का कार्य है, तो परिचालन प्रणाली का कार्य है प्रक्रिया प्रबंधन। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है 16। परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, तो परिचालन प्रणाली के अवयव हैं सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन, टूल्स, उपयुक्त सभी। हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को हार्डवेयर कहते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है, तो कीबोर्ड आपका इनपुट यंत्र है। 1 GB बराबर होता है, 1 GB बराबर होता है 1024 बाइट। नेटवर्किंग कहते हैं, तो नेटवर्किंग कहते हैं जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है तो उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, तो ब्राउजर होता है। हाइपरलिंक का प्रयोग होता है आपका एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं, तो स्टार्ट मेन्यू का लॉग ऑफ करने में किया जाता है। यहाँ पर आपका द राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल, कंप्यूटर, NIC, ये सभी। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है, वर्ड पैकेज, प्रोसेसर। स्मृति कितने प्रकार की होती है, स्मृति दो प्रकार की होती है। फाइल तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है, तो फाइल तथा फोल्डरों को ढूंढने के लिए जिस कमांड का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका फाइंड, ठीक है। फाइंड का हम यूज करते हैं किसी भी फाइलों तथा फोल्डर को ढूंढने के लिए। TSP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है, तो TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं स्प्रेंटो। डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, तो हार्ड डिस्क की। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है, तो कंप्यूटर वायरस दो प्रकार का होता है। डाटा सुरक्षा के चरण हैं डाटा की कॉपियां रखना, डाटा को नियमित डंप लेना, तो यहाँ पर ये स करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्टम एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है, तो इंटरनेट की। अगला आपका प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी और स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर अ तथा ब दोनों हो जाएगा। MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है, तो व्यू की संख्या आपकी 4 होती है, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। 60 आपका प्रश्न है कि बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था, तो सबसे पहले जो वर्जन आया था पावर पॉइंट का वो आया था 3.1, जो कि बहुत ही IMP ये प्रश्न है। FTP का पूरा नाम क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का पूरा फुल फॉर्म नाम होता है। फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है, तो 30 दिन की होती है।
किसी आईपीएस एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो किसी आईपीएस एड्रेस में आपके 4 भाग होते हैं। हॉटमेल का विकास किसने किया था? तो हॉटमेल का विकास शबीर भाटिया ने किया था। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संगणक, हिंदी में उसको संगणक कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क का। ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI तथा CUI दोनों का गुण विद्यमान रहते हैं, तो वो विंडोज में रहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संचार के क्षेत्र से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भाग नहीं है वो है आपका सुपरवाइजर। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, और वही लैटिन पूछे तो वहाँ कंप्यूटेयर हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर एवं मल्टी टास्किंग। जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो सर्वर कंप्यूटर उसे कहते हैं। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का। व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर है, तो वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड के फंक्शन की संख्या होती है? तो कीबोर्ड के फंक्शन की संख्या होती है 12। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है? तो आउटपुट का माध्यम है प्रिंटर। कर्सर की मौजूदा स्थिति को वाई और के एक करेक्टर को डिलीट करने के प्रयुक्त होता है, तो वो होता है बैक स्पेस। आप देख सकते हो ऑप्शन में आपका और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर फिजिक्स के क्षेत्र में काम लिया जाता है इसका। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम डेस्कटॉप कहते हैं। वेब ब्राउजर करता है, तो वेब ब्राउजर वेब पेज को खोलता है। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अटैचमेंट कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, तो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं जो वो है गति, शुद्धता, स्मरण, उपयोग, सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने का विकास हुआ, तो वो इंटरनेट। एमएस एक्सेल क्या है? तो यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है सूचना में। प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना। सौ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर शब्द का अर्थ होता है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से। बहुत यहाँ पर राइट आंसर। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो यह एक प्रिंटेड आउटपुट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो पहला तो इसमें विस्तारता का गुण, अत्यंत सरल प्रोग्राम, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ का राइट आंसर द हो जाएगा। कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो ट्रांजिस्टर। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? कहलाती है, वो आपका सर्च इंजन कहलाता है। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है, तो डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है, वो होता है आपका प्रोसेसिंग करना। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं, तो याहू का, गूगल का, विंग का, उपयोग सभी का, 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एमएस ऑफिस जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आपके ये पौन सीरीज के कुल इतने क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको सिंपली इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देती हूँ, आप वहां से ज्वाइन होकर इसका नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाकर और डेली प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि एग्जाम के टाइम कोई भी आप पर प्रेशर ना रहे और आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखो और अच्छे से तैयारी करो। अगर आपके फ्रेंड्स मित्र यूपीडीएल के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर इस चैनल से आपको कुछ भी अच्छा इन्फॉर्मेशन लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू अगेन।